गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इट्स 9:30 PM, रात के 9:30 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं DFH पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने डाटा फाइल हैंडलिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो डाटा फाइल हैंडलिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम अपने डाटा को फाइल के अंदर सेव करते हैं। मैंने फाइल्स के बारे में भी बताया था कि दो टाइप की फाइल्स होती है, टेक्स्ट फाइल्स होती है, बाइनरी फाइल्स होती है। मैंने टेक्स्ट फाइल बेस्ड क्वेश्चन भी बताए थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि टेक्स्ट फाइल में किस तरीके से डाटा राइट करते हैं, किस तरीके से टेक्स्ट फाइल से डाटा रीड करते हैं। ठीक, टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस, टेक्स्ट से रिलेटेड, टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस किया था। बट बाइनरी में मैंने आपके साथ बाइनरी में पूरा का पूरा पार्ट डिस्कशन किया था, थियोरेटिकल पार्ट पूरा बाइनरी के डिस्कस किया था कि बाइनरी में किस टाइप से हम डेटा राइट करते हैं, किस तरह से हम डेटा रीड करते हैं, बाइनरी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किए थे। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि बोर्ड में बाइनरी फाइल से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बोर्ड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो CBSE बोर्ड कंडक्ट करता है उसमें बाइनरी फाइल से रिलेटेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हाउ मच? 5 मार्क्स का। इट मे बी वेरी, इट मे बी 3 to 4, इट मे बी 5 to, इट मे बी 3 to 4 मार्क्स, बट मैक्सिमम जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बोर्ड के मार्क्स में पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपका 5 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जाना है। तो मैं आपके सामने पूरा का पूरा आज बाइनरी फाइल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एवरीथिंग मैं आपको डिटेल कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से पेपर में सॉल्व करना है, एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आपकी थिंकिंग, आपकी एनालिसिस, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन क्वेश्चंस बताने से पहले, बिफोर डिस्कशिंग टू द क्वेश्चन, मैं आपको ये बताना का मैं चाहूंगा कि बाइनरी फाइल में जब भी हम डाटा राइट करते हैं तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वहां पर स्ट्रक्चर राइट होता है। दैट मीन्स, जैसा कि आपको पता है कि टेक्स्ट फाइल में जब भी हम डाटा राइट करते हैं तो हम इंडिविजुअली डाटा राइट करते हैं, लेकिन बाइनरी फाइल में जब हम डाटा राइट करेंगे या रीड करेंगे तो हम या तो स्ट्रक्चर राइट कर सकते हैं या जो रीड करेंगे वो भी स्ट्रक्चर ही रीड करेंगे। अब बात आती है कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मींस या तो लिस्ट होगा या डिक्शनरी होगी। पॉइंट नंबर वन आपको मेरे पॉइंट नंबर वन आपको माइंड में ये रखना है कि व्हेन वी विल राइट द डाटा इनटू द बाइनरी फाइल वी विल राइट द स्ट्रक्चर। दैट मींस इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट, आइदर इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट और आइदर इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ द डिक्शनरी। सिमिलरली व्हेन वी रीड फ्रॉम, व्हेन वी रीड द डाटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल वी विल रीड द स्ट्रक्चर, वी विल रीड द स्ट्रक्चर आइदर इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट और इन द और आइदर इन द फॉर्म ऑफ द डिक्शनरी। इट डिपेंड्स हाउ यू हैव राइट द डाटा इन द बाइनरी फाइल। ये चीज आपको माइंड में रखनी है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट आपको माइंड में क्या रखना है कि जब भी आप बाइनरी फाइल के अंदर डाटा राइट कराएंगे, जब भी आप बाइनरी फाइल के अंदर डाटा राइट कराएंगे तो आपको स्ट्रक्चर राइट करना है। स्ट्रक्चर आइदर इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट और आइदर इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ द डिक्शनरी। दैट मींस रादर राइटिंग द इंडिविजुअल डाटा टू द बाइनरी फाइल यू विल राइट द फुल स्ट्रक्चर, फुल स्ट्रक्चर आइदर इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट और आइदर इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ द डिक्शनरी। तो ये चीज डियर स्टूडेंट आपको याद रखनी है, आपको अपने माइंड में इस चीज को पॉइंट आउट कर लेना है कि जब भी आप बाइनरी फाइल के अंदर डाटा राइट कराएंगे या डाटा रीड करेंगे तो आप लिस्ट और डिक्शनरी की फॉर्म में राइट कराएंगे और आप जो है लिस्ट और डिक्शनरी की फॉर्म में ही डाटा रीड करेंगे, इंडिविजुअल डाटा राइट नहीं करेंगे। जैसे आपने टेक्स्ट फाइल के केस में देखा था कि हम जो है एक पर्टिकुलर लाइन को राइट करा रहे हैं, आपने देखा था ना कि हम एक पर्टिकुलर लाइन को भी राइट करा सकते हैं, हम एक पर्टिकुलर वर्ड को भी राइट करा सकते हैं, हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को भी राइट करा सकते हैं।
you just point to remember that in the text file we just write the we can write the a particular line, we can write the particular word, we can write the individual character in the text file, but it is not possible in the case of the binary file. In the binary case, you will write the full structure definition to the binary file. Either it may be in the form of the list or either it may be in the form of the dictionary. That means you have to write the full structure into the binary file. Either it may be in the form of the list or either it may be in the form of the dictionary. Or similarly, when you will read the data from the binary file, you will receive the data in the form of the list or either it will be in the form of the डिक्शनरी. तो पॉइंट नंबर वन, आपको अपने दिमाग में ये चीज जरूर ध्यान रखनी है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. क्लियर हो गया. अब नंबर टू सुनिए. मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब भी हम बाइनरी फाइल के अंदर डाटा राइट कराएंगे और बाइनरी फाइल से डाटा रीड करेंगे, तो हमें एक स्पेशल मॉड्यूल को अपने क्या नाम है एप्लीकेशन प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा. दैट मीन्स व्हेन वी विल राइट द डाटा इनटू द बाइनरी फाइल एंड व्हेन वी विल रीड द डाटा from the binary file, we will import a special module which is known as the pickle module. This pickle module has two special methods or function. One is dump function and other one is load function. The dump function write the structure into the binary file. Which type of the structure? Either it is list or either it is dictionary or maybe in any other form. तो ध्यान रखिए कि जो ये dump function है, dump function write करेगा structure को किस में, binary file के अंदर में किस type के structure को, either it may be in the form of the list or either it may be in the form of the dictionary. और लोड फंक्शन क्या करेगा, रीड करेगा डेटा को बाइनरी फाइल से किस फॉर्म में, आइदर इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट और आइदर इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ द डिक्शनरी. डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में आपने डाटा राइट कराया. आपने लिस्ट की फॉर्म में डाटा राइट कराया था तो लिस्ट रीड करेगा, डिक्शनरी की फॉर्म में डाटा राइट कराया था तो डिक्शनरी रीड करेगा. तो डियर स्टूडेंट, बस यही दो पॉइंट आपको अपने माइंड में क्या करने हैं, पूरा माइंड में इन चीजों को ध्यान रखना है कि जब भी आप बाइनरी फाइल के अंदर डाटा राइट कराएंगे तो ध्यान रखिएगा, यू हैव टू कीप रिमेंबर दैट व्हेन यू विल राइट द डेटा इनटू द बाइनरी फाइल, यू विल राइट द स्ट्रक्चर टू द बाइनरी फाइल. दैट स्ट्रक्चर मे बी इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट और मे बी इन द फॉर्म ऑफ द dictionary. Similarly, when you will read the data from the binary file, you will read the data in the form of the structure, either it may be in the form of the list or it may be in the form of the dictionary. Point number one, clear. चाहे इसको लिख भी लीजिए अपनी लिख लीजिए अपने माइंड में इस चीज को. अब पॉइंट नंबर टू सुनिए कि बाइनरी फाइल के अंदर जब भी आप डाटा राइट कराएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंपोर्ट ए स्पेशल मॉड्यूल इन योर एप्लीकेशन प्रोग्राम. दैट स्पेशल मॉड्यूल इज नोन एज द पिकल मॉड्यूल एंड दिस स्पेशल मॉड्यूल पिकल हैज टू स्पेशल फंक्शन. वन इज नोन एज द डंप फंक्शन एंड द अदर वन इज नोन एज द लोड फंक्शन. Dump function write your structure into the binary file. Which type of the structure? It may be in the form of the list or it may be in the form of the dictionary. Similarly, the load function read the structure from your binary file. Which type of the structure? Either it will read the list or either it will read the dictionary. आई होप ये दो कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में रखने हैं बाइनरी फाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. ठीक, अब बाइनरी फाइल का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा, तो डियर स्टूडेंट जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि ये 5 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा. ठीक, तो चलिए आज मैं आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन लेकर आया हूं. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है. ऑल ओवर जितने भी सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं,
मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल में जितनी भी वीडियो है, दीज वीडियोज आर द ऑथेंटिक वीडियोज एंड आर अप टू डेट वीडियोज अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड सिलेबस। I assure you that every video will give you the maximum to maximum benefit in your board exam. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी जितनी भी वीडियोस है वो आपको इतना बेनिफिट देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं डेफिनेटली सारी की सारी वीडियो बिल्कुल ऑथेंटिक बना रहा हूं, बिल्कुल अप टू डेट बना रहा हूं, बिल्कुल कंसाइज इन डेप्थ में बना रहा हूं। तो डेफिनेटली प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। और अपने फ्रेंड्स को भी मेरी वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स हैं वो सीबीएसई स्कूल में है, आइदर वो किसी स्टेट बोर्ड का हो, चाहे वो सीबीएसई का कोई सा भी स्कूल हो ऑल इंडिया, आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। पाइथन में कोई भी उसका क्वेश्चन मिस नहीं होगा, मैं इस तरह से पाइथन को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक बाइनरी फाइल है बुक डॉट डेट हैज स्ट्रक्चर, किस फॉर्म में है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर जो है वो किस फॉर्म में है? लिस्ट की फॉर्म में है। अब बाइनरी फाइल है बुक डॉट डेट, उसके अंदर बुक्स का डाटा है। देखिए बाइनरी फाइल से ही पता चल रहा है कि बाइनरी फाइल का नाम है बुक डॉट डेट और उसके अंदर बुक का डाटा है। किस फॉर्म में? स्ट्रक्चर मतलब लिस्ट की फॉर्म में। बुक नंबर कॉमा बुक नेम कॉमा ऑथर कॉमा प्राइस, मतलब जो हमारी बाइनरी फाइल है बुक डॉट डेट उसके अंदर काफी सारी बुक का डाटा है, राइट। बुक डॉट डेट बाइनरी फाइल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ए मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट। ईच बुक डाटा हैज इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट लाइक दिस। बुक नंबर पहला जो आइटम है वो क्या है? बुक नंबर है। दूसरा आइटम बुक नेम है। अब बुक नंबर इंटीजर ले लीजिए, बुक नेम डेफिनेटली स्ट्रिंग होगा, ऑथर स्ट्रिंग होगा और प्राइस उसका इंटीजर होगा या फ्लोट होगा, डेसिमल जैसा भी है, हम इंटीजर एज्यूम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑलरेडी बाइनरी फाइल है, मतलब क्वेश्चन बनाने वाले ने जो क्वेश्चन बनाया है उसने ऑलरेडी एज्यूम करा है कि एक बाइनरी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। उस बाइनरी फाइल के अंदर ये डाटा एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म में? बुक का डाटा एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में? लिस्ट की फॉर्म में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे दो पॉइंट्स ध्यान रखना, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? बुक्स की फॉर्म में। बुक का डाटा एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में? लिस्ट की फॉर्म में। एंड ईच बुक कंटेन्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट लाइक फर्स्ट आइटम इज बुक नंबर, सेकेंड आइटम इज बुक नेम, थर्ड आइटम इज ऑथर एंड द फोर्थ आइटम इज प्राइस। ईच बुक, अब जितनी भी बुक होंगी उसके अंदर जितनी भी बुक का डाटा होगा उसमें हर बुक का अपना बुक नंबर होगा, बुक नेम होगा, ऑथर होगा, प्राइस होगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर वन, राइट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट फाइल टू इनपुट डेटा फॉर ए रिकॉर्ड एंड एड टू द बाइनरी फाइल बुक डॉट डेट। हमें क्या करना है? एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है। फंक्शन का नाम है क्रिएट फाइल फंक्शन। हमें क्या करना है? इनपुट लेना है डाटा, किसके लिए? बुक के लिए, ठीक है। अब कौन सा डाटा हम बुक के लिए लेंगे इनपुट? बुक नंबर लेंगे, बुक का नाम लेंगे, ऑथर लेंगे और प्राइस लेंगे, यही तो हमारा इनपुट डाटा है। फिर जब ये डाटा हम इनपुट ले लेंगे, हम इसे एक लिस्ट के अंदर क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। और लिस्ट के अंदर स्टोर करने के बाद हम उस पूरी की पूरी लिस्ट को ही क्या करेंगे? बाइनरी फाइल बुक डॉट डेट के अंदर राइट कराएंगे। और राइट कराने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? डंप फंक्शन यूज करेंगे। और ये फंक्शन किस मॉड्यूल के अंदर है? पिकल मॉड्यूल के अंदर है, इसीलिए हमें मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो लेट अस डू प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट मेरे साथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बाइनरी क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आईडियली स्टार्ट कर लेता हूं, राइट। आईडियली ये लीजिए, क्लियर हो गया? ओके, नाउ मैं फाइल पे गया, फाइल पे जाने के बाद न्यू फाइल पे जाऊंगा, ओके। अब यहां पर यूजर डिफाइंड फंक्शन है क्रिएट फाइल डेफ, एक बार मैं फंक्शन देख लेता हूं, क्वेश्चन देख लेता हूं, सॉरी।
क्वेश्चन का नाम है क्रिएट फाइल, राइट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट फाइल, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट फाइल। तो क्रिएट फाइल ये बनाया हमने। ओके, अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप अपनी फाइल को क्रिएट करेंगे। अभी तो आपकी फाइल क्रिएट ही नहीं हुई है। F इज इक्वल टू ओपन, राइट, C के अंदर, यूजर्स के अंदर, विनीत के अंदर, DFH के अंदर, इसके अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट की book.dat। इसे किस मोड में ओपन करूंगा, अपेंड मोड में, क्योंकि मैं अगर मैं इसे राइट मोड में ओपन करूंगा, अगर मैं यहां पर लिखता हूं WB तो राइट मोड में, V का मतलब है बाइनरी फाइल, B means बाइनरी, ये तो आपको लगाना है कि आपको वो फाइल ओपन करनी है बाइनरी मोड में। अगर आप ये बी नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, अगर ये बी आप अगर आप बी यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो वो फाइल टेक्स्ट मोड में ओपन हो जाएगी। चाहे आप फाइल का सिंटैक्स कुछ भी दे लीजिए, book.dat ले लीजिए या book.txt ले लीजिए, इट डजंट मैटर। मैटर करता है कि आप वहां पर पैरामीटर क्या पास कर रहे हैं। तो आपको बाइनरी के लिए आपको स्पेशल पैरामीटर पास करना पड़ेगा WB। W मींस हम राइट मोड में ओपन कर रहे हैं और B मींस बाइनरी फाइल है, ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन मुझे इसे अपेंड मोड में ओपन करना है, इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा ए बी। बी मींस बाइनरी मोड, ए का मतलब मैं इसे अपेंड मोड में ओपन कर रहा हूं। अदरवाइज क्या होगा, जब भी इन फ्यूचर मैं बुक को ऐड करूंगा इस बाइनरी फाइल के अंदर, तो पहले वाला डाटा क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। जो मेरा न्यू डाटा होगा वो पहले वाले एग्जिस्टिंग डाटा के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, बट मैं चाहता हूं कि मेरा वो डाटा भी रहे, तो इसलिए मैं फाइल को अपेंड मोड में ओपन करूंगा। इसके लिए मुझे यहां पर पास करना पड़ेगा ए और बी डेजिग्नेट फॉर बाइनरी फाइल एंड ए डेजिग्नेट फॉर द अपेंड मोड। That means open the binary file in the append mode. AB designate that open the binary file book.dat in the append mode. Clear हो गया? Okay. अब यहां देखिए, आप सबसे पहले आपको क्या चाहिए, बुक नंबर, फिर बुक नेम, फिर ऑथर, फिर प्राइस, ये चाहिए आपको सारी इंफॉर्मेशन। इनपुट तो आपको यही चाहिए, तो सबसे पहले आप इनपुट करा लीजिए, बुक नंबर इज इक्वल टू int, बहुत आसान है, enter the book number, enter the book number, फिर book name चाहिए आपको, book name is equal to input, क्योंकि ये तो character ही होगा, enter the book name, इसके के बाद आपको क्या चाहिए, author चाहिए, तो आप यहां पर आइए, author is equal to int, input, enter the author, इसके बाद आप क्या करेंगे, enter the author, इसके बाद आप क्या करेंगे, right, ये हो गया आपका author, आपने enter करा लीजिए, author भी enter हो गया। इसके बाद price is equal to int, author में आप int क्यों लेंगे, author तो character होगा ना, तो यहां पर लेंगे int, फिर import, enter the price of book, enter the price of book, यहां पर enter the price of the book, enter the price of the book, क्लियर हो गया? ओके, ये इंफॉर्मेशन है एक बुक की। आपको बुक का ही डाटा राइट कराना है, तो ये एक इंफॉर्मेशन है बुक की, बुक नंबर आपको राइट कराना है, बुक नेम, ऑथर और प्राइस, ये आपको राइट कराना है, ये एक बुक की इंफॉर्मेशन है। लेकिन क्या आप इन्हें इंडिविजुअली राइट कराएंगे क्या? नहीं,
it is not possible in the case of the binary file. You have to write all the information in the structure. You have to write all the information related to one book in the form of the structure, and that structure will be list. तो आप क्या करिए, ये जो बुक की इंफॉर्मेशन है, एक बुक नंबर है, एक बुक नेम है, एक ऑथर है, एक प्राइस है, इनको लिस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए. दैट मींस बाय यूजिंग दीज इंफॉर्मेशन यू जस्ट मेक ए लिस्ट. तो डियर स्टूडेंट, एक लिस्ट बनाते हैं, बुक डिटेल, नाम तो कुछ भी दे लीजिए, बुक डिटेल्स. ये बुक डिटेल्स नाम की मैंने एक लिस्ट बनाई. पहला आर्ग्यूमेंट बुक नंबर, बुक नंबर कोमा, दूसरा बुक नेम, फिर कोमा, तीसरा ऑथर, फिर चौथा प्राइस. ये लीजिए, मैंने लिस्ट बना ली, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप बाइनरी फाइल के अंदर डाटा राइट करेंगे तो आपको राइट करना पड़ेगा किस फॉर्म में, स्ट्रक्चर की फॉर्म में, और वो स्ट्रक्चर आपका लिस्ट भी हो सकता है और डिक्शनरी भी हो सकता है. तो यहां पर जो आप बुक की इंफॉर्मेशन को बाइनरी फाइल के अंदर राइट करेंगे तो उस बुक की इंफॉर्मेशन को आपको बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर की फॉर्म में. तो जैसे यहां पर एक बुक की इंफॉर्मेशन है, बुक नंबर है, बुक नेम है, ऑथर है, प्राइस है, तो आपको इसे लिस्ट की फॉर्म में बनाना पड़ेगा. तो आप किस तरह से बनाएंगे, डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी बुक की इंफॉर्मेशन है उनको कॉमास के साथ सेपरेट करेंगे और उन्हें पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे और एक वेरिएबल को असाइन कर देंगे. अब इस बुक अंडर स्कोर डिटेल्स, ये जो आपकी लिस्ट है, इस लिस्ट को पूरी राइट कराएंगे आप किसके अंदर, बाइनरी फाइल के अंदर. और बाइनरी फाइल कौन सी है, बुक डॉट डेट. और राइट कराने के लिए आपके पास स्पेशल फंक्शन कौन सा होता है, डंप फंक्शन. और ये डंप फंक्शन किस मॉड्यूल के अंदर होता है, पिकल मॉड्यूल के अंदर. तो सबसे पहले तो आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो डियर स्टूडेंट, इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट कर लीजिए. अब आप राइट कराएंगे तो देख लीजिए कैसे राइट कराएंगे. पिकल मॉड्यूल है, इसके अंदर फंक्शन है, डंप फंक्शन है. आप राइट कराएंगे किसको, बुक डिटेल्स को. आपको राइट कराना है बुक डिटेल्स को, तो पहला आर्ग्यूमेंट लिख लीजिए आप बुक डिटेल्स, और दूसरा आर्ग्यूमेंट आप लिखेंगे एफ, क्योंकि ये एफ जो फाइल हैंडलर है, यही इस बुक अंडर स्कोर डिटेल्स, जो ये लिस्ट है, इस बुक अंडर स्कोर डिटेल्स के अंदर बुक नंबर है, बुक नेम है, ऑथर है, प्राइस है. दैट मींस ये बुक अंडर स्कोर डिटेल्स एक लिस्ट है. तो ये एफ दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है डंप फंक्शन के अंदर, ये जो दूसरा आर्ग्यूमेंट एफ है, जिसे हम फाइल हैंडलर बोल रहे हैं, यही फाइल हैंडलर इस लिस्ट को बाइनरी फाइल के अंदर राइट कराए. और ये F किससे एसोसिएट है, बाइनरी फाइल से एसोसिएट है. तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही आपका डाटा राइट हो जाएगा, एक मैसेज दे देंगे हम यूजर के सामने कि डाटा इज सक्सेसफुली राइट. अगर मेरा डाटा सक्सेसफुली राइट हो गया तो, और F डॉट क्लोज, मैंने यहां पर इसे क्लोज कर दिया. अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन का इंटरप्रेटर जब तक इस फंक्शन को कॉल नहीं करेगा तब तक वो फंक्शन अपना वर्क शुरू नहीं करेगा. तो मुझे यहां पर इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, क्रिएट फाइल. ये बात ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन कॉलिंग इज मैंडेटरी. तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं वर्क, रन करते हैं इस प्रोग्राम को. सबसे पहले इसे सेव कर लेते हैं. कंट्रोल एस कीजिए, डेस्कटॉप पे जाइए. मैंने डेस्कटॉप के अंदर कुछ मैंने एक फोल्डर बना रखा होगा, शायद एक फोल्डर बना रखा होगा बाइनरी के नाम से. इसके अंदर ऑलरेडी जो है, क्या नाम है, एक काम करिए, इसे इन दोनों को डिलीट कर, चलो छोड़िए, आप एक काम करिए, इसके अंदर एक नई फाइल बनाइए. एक काम करता हूँ मैं, पहले फाइल के अंदर जाइए, सेव एज के अंदर जाइए, मैं डेस्कटॉप में जाइए, बाइनरी के अंदर जाइए, और यहां पर आप अपनी फाइल सेव कीजिए बुक डॉट पीवाई. रिप्लेस करना चाहते हो? यस, मेरी जो ये वाली फाइल है मैं इसे रिप्लेस करना चाहता हूं. अब आप इसे रन करिए, रन मॉड्यूल.
अनमैच्ड, ओके नो प्रॉब्लम, ये यहां पर एरर है। मैं दोबारा इसे रन करता हूं, आप देखिए सबसे पहले इसने क्या कर रन हो गया है मेरा प्रोग्राम, मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है, ये रहा मेरा प्रोग्राम रन। सबसे पहले इसने बोला एंटर द बुक नंबर, बुक नंबर को एंटर किया, एंटर द बुक नंबर, एक मिनट ये बुक नंबर एंटर क्यों नहीं कर रहा है डियर स्टूडेंट, एक मिनट लेट मी चेक, लेट मी चेक ये क्यों एंटर नहीं कर रहा है बुक नंबर, वन मिनट। रन किया मैंने दोबारा से, रन मॉड्यूल, एंटर द बुक नंबर, ओके बुक नंबर मैंने एंटर किया 6578, बुक नेम मान लीजिए सुमिता अरोड़ा, सुमिता अरोड़ा, पहला मैंने लिखा सुमिता अरोड़ा, ठीक है, और सॉरी बुक का नेम सुमिता अरोड़ा, अच्छा बुक का नाम है सुमिता अरोड़ा, चलिए कोई बात नहीं सुमिता अरोड़ा बुक का नाम हो गया, या एक बार रन करता हूं दोबारा से क्योंकि गलत सुमिता अरोड़ा तो ऑथर का नाम आना चाहिए, यस दोबारा रन करिए, रन अगेन दिस प्रोग्राम, ओके अब नाइए एंटर द बुक नंबर, एंटर द बुक नेम सी प्लस प्लस, ऑथर सुमिता अरोड़ा, सुमिता अरोड़ा, एंटर द प्राइस ऑफ द बुक 546, डाटा इज सक्सेसफुली राइट, डाटा आपका सक्सेसफुली राइट हो चुका है, देखना चाहते हैं तो चलिए अपने डाटा को देखिए, अगर आप अपने डाटा को देखना चाहते हैं तो आप अपने डाटा को देख सकते हैं, इसे बंद, ये एक काम करिए इसे नीचे करिए, अब आप अपने डाटा को देखिए, आप यहां गए, आप डीएफएच के अंदर गए, डीएफएच के अंदर ये देखिए आपका बुक डॉट डेट डाटा बना हुआ है, ये देखिए एक मिनट बुक डॉट डेट था ना, यस यही बुक डॉट डेट डाटा है आपका, ये ऑलरेडी फाइल बन रखी है, एक काम करिए इसे डिलीट मारिए, तीनों फाइल को डिलीट मार दीजिए दोबारा से, अब दोबारा से करिए रन क्योंकि वो मैंने पहले ऑलरेडी बना रखी थी फाइल, अब रन करिए, अब आप दोबारा से रन करेंगे आपको सही पता चल जाएगा रिकॉर्ड, अब करिए दोबारा से रन, अब रन करिए फ्रेश प्रोग्राम रन करिए, बुक नंबर, बुक का नाम, ऑथर नेम, चलिए ऑथर नेम मैं अपना डाल देता हूं विनीत गुप्ता, विनीत गुप्ता, प्राइस जो है 345 रुपए, डाटा सक्सेसफुली राइट हो चुका है, एक बार देख लीजिए, ये देखिए फाइल क्रिएट हो गई है और देखिए बाइनरी के फॉर्म में डाटा राइट हो चुका है, देखिए यहां पर बाइनरी मोड एक ऐसा मोड होता है जिसमें आप डाटा को इजिली रीड नहीं कर सके, रीड नहीं कर सकते, जो ऑथर होता है उस डाटा का वही उसे रीड कर सकता है, देखिए बस यहां पर सिर्फ मुझे ये पता लग रहा है कि विनीत गुप्ता मैं रीड कर सकता हूं इस बाइनरी फाइल में से, और मुझे कुछ नहीं पता चल रहा कि किस फॉर्मेट में है ये, ठीक है, बट मैं जानता हूं कि मैंने इसके अंदर क्या राइट करा है, थर्ड पर्सन तो नहीं, थर्ड पर्सन को कुछ नहीं पता, थर्ड पर्सन कैन नॉट नो व्हाट इज दिस इंफॉर्मेशन, बट द ऑथेंटिक यूजर ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन रीड द इंफॉर्मेशन वेरी इजली बिकॉज ही नोज वेरी वेल व्हाट इज रिटन इनटू द बाइनरी फाइल, ही नोज वेरी वेल, दिस इज द एडवांटेज ऑफ द बाइनरी फाइल, ओके चलिए दोबारा से रन करते हैं, हमें और इंफॉर्मेशन क्या करानी है, एंटर करानी है, मैं दोबारा से इसे रन करता हूं, ठीक है एंटर द बुक नंबर, बुक का नाम पाइथन, ऑथर विनीत गुप्ता, विनीत गुप्ता, प्राइस जो है 435, डाटा इज सक्सेसफुली राइट इनटू द फाइल, कोई नहीं दोबारा से रन करते हैं, दोबारा से रन करते हैं, दोबारा से रन करते हैं इसे, एंटर द बुक नंबर, बुक का नाम जो है मान लीजिए बुक का नाम ले लीजिए आप जावा,
ऑथर का नाम ले लीजिए, मान लीजिए आप जेम्स गोसलिंग, जेम्स गोसलिंग, और प्राइस ले लीजिए मान लीजिए बुक का ये, डाटा इज सक्सेसफुली राइट इनटू द फाइल। ठीक है, दोबारा रन करिए इसे, दोबारा रन करिए। बुक का नंबर चाहिए, कोई नहीं, बुक का नाम चाहिए, मान लीजिए बुक का मैं नाम आ गया एल्गोरिथम, RITHM एल्गोरिथम। ऑथर का नाम मान लीजिए, ऑथर का नाम आ गया सुमिता अरोड़ा, सुमिता अरोड़ा, सुमिता अरोड़ा। प्राइस जो है बुक का 7, डाटा इज सक्सेसफुली राइट। क्लियर हो गया? तो डियर स्टूडेंट, पहला पार्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आप अपनी फाइल देखिए, फाइल के अंदर आपका डाटा राइट हो रखा है। ठीक है, इसे हम बंद कर देते हैं। अब क्लियर, अब अपनी फाइल देख सकते हैं। इस फाइल को ओपन करिए, इस फाइल को मैंने अपेंड मोड में खोल रखा है। आप देख सकते हैं ये अपेंड मोड में मैंने डाटा राइट कर रखे हैं। पहला डाटा विनीत गुप्ता, फिर विनीत गुप्ता, फिर जेम्स गोसलिंग, फिर सुमिता अरोड़ा। सिर्फ नाम तो दिखाई दे रहे हैं, नाम के अलावा और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रही है कि क्या इंफॉर्मेशन है। तो टोटल मैंने इसके अंदर 4 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं। पहला रिकॉर्ड विनीत गुप्ता के नाम का था, दूसरा रिकॉर्ड भी विनीत गुप्ता के नाम का था, तीसरा जावा के नाम का है, और चौथा सुमिता अरोड़ा के नाम का है। मतलब ये ऑथर्स है। क्लियर हो गया? और मैं इसमें कुछ नहीं जानता कि इसके अंदर इन्होंने इसमें बाइनरी फाइल ने उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो बेसिकली ये डंप फंक्शन होता है जो राइट करने के काम आता है, लेकिन राइट करने के लिए, राइट करने के पर्पज के लिए डंप फंक्शन यूज करते हैं। लेकिन ये डंप फंक्शन जो राइट करेगा बाइनरी फाइल के लिए, वो स्ट्रक्चर राइट करेगा, वो स्ट्रक्चर या तो लिस्ट होगा या डिक्शनरी होगा। तो हमने यहां पर जो बुक की इंफॉर्मेशन थी उनको लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर डंप फंक्शन के थ्रू उसको राइट किया। क्लियर होगी ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगला पार्ट हम इसे सॉल्व कर रहे हैं कि राइट ए फंक्शन। अब हमें एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन का नाम है काउंट रैक। क्या है फंक्शन का नाम? काउंट रैक। और ये फंक्शन क्या कर रहा है? एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है ऑथर। ये आर्ग्यूमेंट हमें पास कराना है। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो कॉल करते समय हमें ये आर्ग्यूमेंट ऑथर जो है पास कराना है। क्लियर? कॉल करते समय इन पाइथन विच एक्सेप्ट द ऑथर नेम एज पैरामीटर एंड काउंट एंड रिटर्न नंबर ऑफ बुक्स बाय द गिवन ऑथर आर स्टोर्ड इन द बाइनरी फाइल बुक डॉट डेट। कहने का मतलब यह है कि ये जो काउंट रैक फंक्शन है, ये एक पैरामीटर ऑथर पास कर रहा है, ऑथर पैरामीटर इसके में पास है। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो कॉल करते समय हम ऑथर पास करेंगे इस फंक्शन को। तो ये फंक्शन क्या करेगा? हमने जो बाइनरी फाइल बना रखी है बुक डॉट डेट, उसको रीड करेगा वन बाय वन, मतलब एक एक रिकॉर्ड रीड करेगा। और उस रिकॉर्ड को रीड करने के बाद ये मैच करेगा कि ये जो ऑथर हमने पास कराया है और जो बाइनरी फाइल में से जो ऑथर है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये वाला रिकॉर्ड हमें क्या करना है, काउंट करना है। क्या करना है हमें? इसे रिकॉर्ड को काउंट करना है। इसी तरह से हम दूसरा रिकॉर्ड रीड करेंगे, दूसरा रिकॉर्ड रीड करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि वो रिकॉर्ड में जो है उसका ऑथर और जो हमने पास कराया ऑथर वो मैच कर रहे हैं क्या। अगर मैच कर रहे हैं तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड हो जाएंगे? 2 रिकॉर्ड हो जाएंगे। इसी तरह से हमें तीसरा रिकॉर्ड रीड करना है, तीसरे रिकॉर्ड में से भी जो ऑथर आएगा उसका ऑथर और जो हमने पास किया ऑथर वो मैच कर रहे हैं क्या। अगर मैच कर रहे हैं तो हमारे पास 3 रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन का नाम है काउंट रैक और आर्ग्यूमेंट ले रहा है ऑथर। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हमें इस फंक्शन को, इसी फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। ये वाला जो फंक्शन है इसी फंक्शन को मैं चेंज कर रहा हूं। इसे मैं यहां से पूरा का पूरा हटा देता हूं, ये मैंने पूरा हटा दिया। अब यहां पर जो है मैं यहां पर एक ही जगह लगाऊंगा आरबी, क्योंकि अब मैं उस फाइल को किस मोड में खोलूंगा, रीड मोड में। अब मुझे जो बाइनरी फाइल है बुक डॉट डेट, उसे मुझे रीड मोड में ओपन करना है। किस मोड में ओपन करना है? रीड मोड में ओपन करना है। तो देखिए मैंने यहां पर लिखा बुक डॉट डेट और मुझे इसे ओपन करना है रीड मोड में। अच्छा, मैं इस फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूं, फंक्शन का नाम है काउंट रैक। और ये क्या आर्ग्यूमेंट ले रहा है? ऑथर। क्या आर्ग्यूमेंट ले रहा है? ऑथर। तो फंक्शन का नाम है काउंट रैक और यह आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है? ऑथर। अब मैं मुझे जो अपनी बाइनरी फाइल है बुक डॉट डेट, उसको किस मोड में ओपन करना है?
जो मेरी बाइनरी फाइल है ऑथर, उसको मुझे किस मोड, जो मेरी बाइनरी फाइल है बुक डॉट डेट, आप देख सकते हैं ना ये बाइनरी फाइल है बुक डॉट डेट, इसको किस मोड में ओपन करना है, बाइनरी मोड में। किस मोड में ओपन करना है, रीड मोड में, रीड मोड में ओपन करना है। तो यहां पर मुझे यहां क्या पास करना पड़ेगा, आर बी, आर बी मीन्स बाइनरी फाइल है और आर मीन्स मुझे उसे रीड मोड में ओपन करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है डियर स्टूडेंट, क्लियर हो गया। अच्छा अब एक बार बताइए, क्वेश्चन ने ये कहा है आपको रिकॉर्ड काउंट भी करने हैं। कौन से रिकॉर्ड काउंट करने हैं, वो रिकॉर्ड काउंट करने हैं कि एक ऑथर ने कितनी बुकें लिखी हैं। अगर वो ऑथर मैच कर गया तो उसका रिकॉर्ड काउंट भी करना है। तो किस वेरिएबल के अंदर काउंट करोगे, एक वेरिएबल ले लो ना, नम इज इक्वल टू जीरो, नम ले लीजिए, ए ले लीजिए, एम ले लीजिए, एन ले लीजिए, जो भी सी ले लीजिए, या काउंट ही ले लीजिए, जरूरी नहीं है काउंट ही ले लीजिए, यहां पर काउंट ले लीजिए, जो आप चाहते हैं वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया। ओके अब एक बात बताइए, मेरे पास जो बाइनरी फाइल है बुक डॉट डेट, उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन तो नहीं है, एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन है। कितनी इंफॉर्मेशन है, आई डोंट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ बुक्स दैट पर्टिकुलर बुक डॉट डेट बाइनरी फाइल कंटेन्स। अभी तो मैं जानता हूं कि मैंने चार रिकॉर्ड इंसर्ट कराए हैं, लेकिन अगर इन फ्यूचर मुझे उसमें इंसर्ट कराता रहा मैं, तो डेफिनेटली बहुत सारी बुक्स हो जाएंगी उसके अंदर। तो आई डोंट नो कि कितनी बुक्स हैं उसके अंदर। तो इसके लिए बेटा मैं, बच्चों माई डियर स्टूडेंट, मैं लगाऊंगा वाइल लूप। क्या लगाऊंगा, वाइल लूप। तो चलिए वाइल और वाइल ट्रू इसके अंदर पास कर दीजिए। ओके अब ट्राई, वी विल यूज ट्राई। ध्यान रखिएगा जो फॉर्मेट मैं बता रहा हूं आपको वही स्टैंडर्ड फॉलो करना है। देखिए ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, ट्राई के अंदर हम इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे, ट्राई ब्लॉक और एक हमारा आएगा एक्सेप्ट। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे। तो चलिए ट्राई ब्लॉक के अंदर हम इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। अब देखिए जो भी मैं बाइनरी फाइल से रीड करूंगा वो क्या रीड करूंगा, लिस्ट रीड करूंगा। तो डेफिनेटली जब मैं बाइनरी फाइल से रीड करूंगा तो रीड करने के बाद किसी वेरिएबल को असाइन करूंगा। तो मान लीजिए मैंने वेरिएबल ले लिया रैक या रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर मैंने क्या करा, पिकल, पी आई सी के एल ई, पिकल डॉट लोड एफ, लोड एफ। तो अब ये एफ क्या है, फाइल हैंडलर है। ये किस, ये जो एफ है ये क्या है, फाइल हैंडलर। ये किसके साथ एसोसिएट है, बाइनरी फाइल के साथ एसोसिएट है। कौन सी बाइनरी फाइल है, बुक डॉट डेट। ये जो एफ है ये किसके साथ एसोसिएट है, बुक डॉट डेट के साथ एसोसिएट है। तो ये एफ क्या करेगा, पूरी की पूरी लिस्ट को, जितनी भी लिस्ट है, एक एक बुक की इंफॉर्मेशन एक लिस्ट के अंदर है, तो उसको रीड करेगा और रीड करने के बाद किसको असाइन कर देगा, रिकॉर्ड को असाइन कर देगा। किसको असाइन कर देगा, रिकॉर्ड को असाइन करेगा। मैं दोबारा बताना चाहूंगा, ये जो एफ है ये क्या है, फाइल हैंडलर है। ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये आपकी बाइनरी फाइल बुक डॉट डेट के साथ एसोसिएट है। ये फाइल किस मोड में खुली हुई है, रीड मोड में खुली हुई है। तो ये जो एफ है ये आपकी बुक डॉट डेट बाइनरी फाइल के साथ क्या है, एसोसिएट है। तो ये एफ क्या करेगा, ये एफ, ये जो लोड फंक्शन है, ये लोड फंक्शन एक्चुअली जो है, लोड फंक्शन रीड करता है किसके थ्रू, एफ के थ्रू रीड करता है। तो जो आपका ये लोड फंक्शन है, लोड, डंप फंक्शन तो राइट करने के काम आता है, जो आपका ये लोड फंक्शन है ये आपका रीड करेगा, एक्चुअली ये अनपिकलिंग करेगा, रीड करेगा एक पूरे स्ट्रक्चर को, एक पूरे स्ट्रक्चर को। और वो स्ट्रक्चर किस फॉर्म में है, बुक डॉट डेट के अंदर लिस्ट की फॉर्म में है। तो ये लोड फंक्शन उस लिस्ट को रीड करेगा एफ के थ्रू और फिर असाइन कर देगा किसको, रिकॉर्ड को। क्लियर, किसको असाइन करेगा, रिकॉर्ड को असाइन करेगा। किसको असाइन करेगा, रिकॉर्ड को असाइन करेगा। अब जो रिकॉर्ड है उसके पास चार इंफॉर्मेशन आई बुक की, क्या आया, बुक नंबर आया, बुक नेम आया, ऑथर आया और प्राइस आया। क्योंकि इस लोड फंक्शन ने बाइनरी फाइल से जो डाटा रीड किया है वो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, दैट मींस वो लिस्ट है। इस एफ के थ्रू वो डाटा रीड हुआ है इस लोड फंक्शन की हेल्प से। इस लोड फंक्शन ने एफ के थ्रू वो डाटा पूरा रीड किया है, एक पूरा का पूरा लिस्ट रीड की है। उस लिस्ट के अंदर बुक की इंफॉर्मेशन है, उस लिस्ट के अंदर बुक नंबर है, बुक नेम है, ऑथर है, प्राइस है। क्लियर हो गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रीड करने के बाद किसको दिया, रिकॉर्ड को दिया। नाउ रिकॉर्ड इज ए लिस्ट, नाउ रिकॉर्ड इज ए लिस्ट।
विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, बुक नंबर, बुक नेम, ऑथर एंड प्राइस, एंड दिस इंफॉर्मेशन केम फ्रॉम द बुक डॉट डेट बाइनरी फाइल विद द हेल्प ऑफ द लोड फंक्शन. क्लियर हो गया? ओके, क्लियर हो गया. अब आगे देखिए, अब उसने हमें क्या कहा, क्वेश्चन ने हमें क्या बोला, क्वेश्चन ने हमें क्या बोला, पहले आप उस चीज को ध्यान से देख लीजिए. क्वेश्चन ने हमें बोला है कि राइट ए फंक्शन काउंट रैक ऑथर इन पाइथन विच एक्सेप्ट द ऑथर नेम एज पैरामीटर एंड काउंट एंड रिटर्न नंबर ऑफ बुक्स बाय द गिवन ऑथर आर स्टोर्ड इन द बाइनरी फाइल बुक डॉट डेट. कहने का मतलब यह है कि जब हम इसे काउंट रैक फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो सा ऑथर हम पास करेंगे उस ऑथर की बुक हमें काउंट करनी है कि बाइनरी फाइल में उस ऑथर की बुक कितनी है. ध्यान रखना, विनीत गुप्ता नाम की बुक कितनी है बाइनरी फाइल के अंदर, दो है, क्योंकि मैंने विनीत गुप्ता नाम की दो क्या नाम है बुक उसके अंदर स्टोर करी है. तो जब मैं इसे काउंट रैक फंक्शन को कॉल करूंगा तो मैं ऑथर का नाम पास करूंगा विनीत गुप्ता. अब जब मैं ऑथर का नाम विनीत गुप्ता पास करूंगा तो मैं ये चेक करूंगा कि विनीत गुप्ता नाम की बुक कितनी है बाइनरी फाइल के अंदर. तो अब रिकॉर्ड के अंदर मैंने एक पूरा रिकॉर्ड रीड कर लिया है, पहला डाटा रीड कर लिया है. वो लिस्ट है, पहला डाटा जो मैंने बुक डॉट डेट बाइनरी फाइल से रीड किया है वो क्या है, लिस्ट है. तो इस रिकॉर्ड के पास क्या आ गया, लिस्ट आ गया. ठीक, अब मैं चेक करूंगा इफ रिकॉर्ड ऑफ टू, क्योंकि जीरो इंडेक्स नंबर पर तो क्या है बुक नंबर, वन इंडेक्स नंबर पर क्या है बुक नेम, सेकंड इंडेक्स नंबर पर क्या है ऑथर. क्लियर हो गया? तो इफ रिकॉर्ड ऑफ टू इक्वल टू इफ रिकॉर्ड ऑफ टू ना करिए, इफ ऑथर इक्वल टू ऑथर, क्योंकि ये जो ऑथर है इसे ही तो चेक करना है कि क्या ये ऑथर इक्वल टू है रिकॉर्ड ऑफ टू के. ये जो हमने ऑथर पास कराया है फंक्शन कॉल करते समय, जब मैंने इस काउंट रैक फंक्शन को कॉल किया तो मैंने ऑथर पास कराया, ठीक है ना, और वो जो मैंने ऑथर पास कराऊंगा वो किस वेरिएबल के अंदर जाएगा, इस ऑथर वेरिएबल के अंदर जाएगा. तो मुझे चेक करना है कि जो मैंने ऑथर पास करा है वो क्या बराबर है जो ऑथर मैंने मतलब लिस्ट बाइनरी फाइल से रीड की है उसके ऑथर के बराबर है क्या वो. तो जो रिकॉर्ड के अंदर लिस्ट आई है वो लिस्ट कहां से आई, बाइनरी फाइल से आई है. मतलब ये जो बुक डॉट डेट बाइनरी फाइल है इसी के अंदर से तो वो लिस्ट आई है, इसी के अंदर से तो पहला रिकॉर्ड आया है लिस्ट की फॉर्म में और वो मैंने रिकॉर्ड को असाइन करा दिया. अब इस रिकॉर्ड में, इस रिकॉर्ड लिस्ट में ऑथर किस पोजीशन पर है, 0 1 2 इंडेक्स नंबर पर है. तो मुझे चेक करना है इफ ऑथर इज इक्वल टू रिकॉर्ड ऑफ टू है क्या. अगर है तो num++ मतलब एक रिकॉर्ड फाउंड हो गया, बस हमें यही तो करना था. इफ ऑथर इज इक्वल टू रिकॉर्ड ऑफ टू तो num++. अब इसके बाद हमें क्या करना है, ओके. अब यहां पर एक्सेप्ट फिर ईओएफ एरर, ईओएफ एरर इसका मतलब है, देखिए ट्राई के अंदर हम क्या करते हैं, अपना यूजर का जो भी कोड होता है वो ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं. ये ट्राई कैच आपको यहां, ये जो ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक है ये आपको यहां पर लिखना ही पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा. हम जो भी यूजर कोड है, जो भी हमारा यूजर का वर्क है वो हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे. जैसे रीड करने का, रीड जो करेगा वो ट्राई के अंदर करेगा, कंडीशन जो मैच करेगा वो भी ट्राई के अंदर करेगा. कहने का मतलब है जो भी रीड करने का काम होगा, रीड करने का काम है या कंडीशन मैच करने का काम है, दैट मींस यूजर कोड विल बी राइट इन द ट्राई ब्लॉक. एंड इफ एनी एक्सेप्शन एरर ऑकर्स देन इट विल बी हैंडल्ड बाय द एक्सेप्ट ब्लॉक. तो एक्सेप्ट ईओएफ एरर मतलब एंड ऑफ फाइल एरर, यहां पर एक्सेप्ट करेगा वो. ठीक, इसके कमे बाद हम लगाएंगे ब्रेक, num=num+1. यहां पर प्लस प्लस ऑपरेटर नहीं होता है, num=num+1. फिर डियर स्टूडेंट यहां पर आपका आएगा ब्रेक, ये ब्रेक आ गया,
इसके तो मैं बाद आप क्या करोगे, ब्रेक आ गया, रिटर्न नम को रिटर्न करोगे, इसके तो मैं बाद एफ डॉट क्लोज करोगे, फाइल को क्लोज करोगे, क्लियर। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आप अपने इसे प्रिंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ऑथर इज, इस फंक्शन को कॉल करो, काउंट रैक, अब यहां पर ऑथर पास करो, मान लीजिए मैंने ऑथर पास किया विनीत गुप्ता, ये मैंने ऑथर पास किया, ओके। नाउ डियर स्टूडेंट, नाउ रन दिस प्रोग्राम, तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ऑथर इज वन, वन आ रहा है, नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ऑथर इज वन, विनीत गुप्ता ऑथर की सिर्फ एक ही बुक रीड कर रहा है ये। ओके, अच्छा एक काम करिए, यहां पर जे विनीत गुप्ता ऑथर की सिर्फ एक ही बुक ये रीड कर रहा है, हो सकता है कि मैंने वहां पर जो है स्मॉल कैपिटल स्मॉल ना दे दिया हो, क्योंकि मैंने दो बुक राइट कराई थी, मैंने दो बुक राइट कराई थी, बट ये मुझे एक रिकॉर्ड दे रहा है, एक दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो है वहां पर नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ऑथर इज वन। तो एक काम करते हैं, इफ ऑथर इज इक्वल टू रिकॉर्ड ऑफ टू, तो नम, एक मिनट ये यहां मिस्टेक हो रही है, नम इज इक्वल टू नम प्लस वन, अब दोबारा इसे रन करिए, नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ऑथर इज वन, वन ही आ रहा है यहां पर मेरा आंसर, एंड ऑफ फाइल एरर, ब्रेक रिटर्न नम, ये नम रिटर्न करेगा, कहां रिटर्न करेगा, जहां से कॉल हुई है, तो ये आया विनीत गुप्ता, एक मिनट मैं इसको दोबारा से करता हूं, यहां पर मैं स्मॉल वी करता हूं, अब मैं इसे रन करता हूं, अब देखता हूं कितनी है मेरी रिकॉर्ड, अब मेरा आ रहा है जीरो, क्योंकि मैंने वहां पर कैपिटल बी लिया है। हाँ, तो हो सकता है डियर स्टूडेंट, मैंने जो है जब बुक स्टोर करा रहा था, तो यहां पर मैंने कैपिटल बी लिया है, एक में मैंने कैपिटल बी लिया है, दूसरे में मैंने कैपिटल जी लिया है, मतलब एक ऑथर में तो मैंने पूरा वी भी कैपिटल लिया, जी भी कैपिटल लिया, हो सकता है जब दूसरा ऑथर करा रहा हूं तो मैंने स्मॉल वी कराओ या स्मॉल जी कराओ तो उससे वो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि जो आप ऑथर कराओगे वो उसी नाम का होना चाहिए जिस नाम का आपने कराया, मतलब अगर पहला लेटर कैपिटल है तो पहला लेटर कैपिटल ही, और अगर सर नेम में कैपिटल है तो सर नेम में कैपिटल, तभी वो मैच करेगा, ठीक। तो देखिए इस तरीके से हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो जो दूसरा पार्ट था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी इजी, बस आपको क्या समझना है, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। आपने फंक्शन बनाया काउंट रैक, उसके अंदर आर्गुमेंट क्या पास किया आपने, ऑथर पास किया, क्लियर हो गया, ओके। जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे काउंट रैक को, आप देखिए यहां पर काउंट रैक को कॉल कर रहा हूं मैं, यहां पर मेरा कर्सर है, मैंने इसको क्या पास कराया, ऑथर विनीत गुप्ता पास कराया, क्या पास कराया मैंने इसको, ऑथर विनीत गुप्ता, मैंने इसको ऑथर पास कराया, तो ये विनीत गुप्ता ऑथर कहाँ गया, इस फंक्शन ऑथर के पास गया, क्लियर हो गया। अब मैंने क्या करा, अपनी फाइल को ओपन किया रीड मोड में, क्लियर हो गया। अब उसने रिकॉर्ड काउंट करने के लिए बोला है, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया नम इज इक्वल टू जीरो, मैंने क्या वेरिएबल ले लिया, एक नम इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने क्या करा, क्योंकि मेरे एक से ज्यादा रिकॉर्ड है फाइल के अंदर, तो मुझे उन सब रिकॉर्ड्स को क्या करना है, रीड करना है, मैंने वाइल लूप लगाया, वाइल ट्रू, कंडीशन मैंने ट्रू दी। अब मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या करा, सबसे पहले मैंने फाइल हैंडलर एफ के थ्रू लोड फंक्शन का यूज करके, ये फंक्शन पिकल मॉड्यूल का है, तो मैंने रीड किया बाइनरी फाइल से, तो मुझे जो मैं बाइनरी फाइल से रीड करूंगा वो एक लिस्ट रीड करूंगा, वो लिस्ट क्या है, उस लिस्ट के अंदर है बुक की इंफॉर्मेशन, वो बुक की इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में है, लिस्ट की फॉर्म में है, उसमें पहला इंडेक्स नंबर पर बुक नंबर है, दूसरे इंडेक्स जीरो इंडेक्स नंबर पर बुक नंबर है, पहले इंडेक्स नंबर पर बुक नेम है, दूसरे इंडेक्स नंबर पर ऑथर है, और तीसरे इंडेक्स नंबर पर प्राइस है, तो मैंने वो रिकॉर्ड में दे दिया।
नाउ अब मैंने चेक करा कि जो ऑथर मैं पास करा रहा हूं वो रिकॉर्ड के अंदर जो मेरी लिस्ट आई है उसके ऑथर से मैच करता है क्या। तो जो रिकॉर्ड में मेरी लिस्ट आई है उसमें ऑथर सेकंड इंडेक्स नंबर पर है, तो मैंने चेक करा, अगर मैच करता है तो मैंने num इज इक्वल टू num प्लस 1 दिया। इस तरह से ये चलता रहेगा, अगर कोई एरर आएगी तो वो एक्सेप्ट के अंदर आएगी, EOF एरर। क्लियर हो गया। अब while loop से अगर बाहर आना है तो मुझे, जब मान लीजिए जब मेरा सारा का सारा डाटा रीड हो जाएगा, जितने भी रिकॉर्ड्स है, अगर मान लीजिए बुक डॉट डेट फाइल के अंदर 1000 रिकॉर्ड हैं, तो 1000 के 1000 रिकॉर्ड रीड होंगे बार बार, क्योंकि मैंने वाइल के अंदर ट्रू लगाया है। तो 1000 पूरे के पूरे रिकॉर्ड रीड होने के बाद अब मुझे वाइल लूप से बाहर आना है, जबकि मैंने वाइल के अंदर क्या लगाया है, ट्रू लगाया है। तो मुझे वाइल लूप से अगर बाहर आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। इस ब्रेक करने से क्या होगा, आप वाइल लूप से इमीडिएटली बाहर आ जाओगे। क्लियर हो गया। अदरवाइज वाइल लूप से बाहर आने की कोई भी कंडीशन नहीं है, क्योंकि आपने क्या पास करा रखा है, ट्रू पास करा रखा है। तो आप वाइल लूप से कब बाहर आओगे, जब आप सारे के सारे रिकॉर्ड रीड कर लोगे, उसके बाद ये ब्रेक कर देगा इमीडिएटली। ब्रेक करने के बाद रिटर्न करेगा नम को, नम कहां पर रिटर्न करेगा, जहां से आपने कॉल की थी। तो नंबर ऑफ बुक्स ऑफ द ऑथर इज, यहां पर आ जाएगी नम की वैल्यू। क्लियर। और उसके बाद एफ डॉट क्लोज, आपकी फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है। चलिए, अब इसने ये बोला कि जो विनीत गुप्ता नाम के रिकॉर्ड है वो सिर्फ एक आ रहा है। आप देख सकते हैं, मैं इसे अगर दोबारा रन करूं तो इसमें सिर्फ विनीत गुप्ता नाम का रिकॉर्ड एक आ रहा है। तो चलिए दोबारा रन करते हैं। नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ऑथर इज 1। क्लियर हो गया। अब इसे कैसे पता करेंगे कि क्या वाकई एक है, क्या वाकई ही एक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट आगे चलते हैं। ओके, अब चलिए इसमें मैं, मेरा जो प्रोग्राम नंबर 2 है, इसमें मैं प्रोग्राम नंबर 3 भी कर लेता हूं। क्या बनाऊं कि राइट ए फंक्शन डिस्प्ले रिकॉर्ड। एक फंक्शन मैं खुद से बना रहा हूं। अगर मान लीजिए आ गया कि सभी बुक के अंदर जितने भी रिकॉर्ड है सबको डिस्प्ले करके दिखाना है आपको, ये फंक्शन आ गया, तो आप कैसे करेंगे, आपको पता तो होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ ही गया कि आपको क्या करना है, बुक के जितने भी रिकॉर्ड है सबको डिस्प्ले करना है, तो राइट ए फंक्शन डिस्प्ले रिकॉर्ड इन पाइथन टू डिस्प्ले ऑल द बुक डिटेल्स फ्रॉम द बाइनरी फाइल। इसके अंदर मैंने ये चीज और ऐड कर दी। क्लियर है। अब आपको एक फंक्शन बनाना है डिस्प्ले रिकॉर्ड पाइथन में, तो आपको जितनी भी बुक है उन सबकी डिटेल्स क्या करनी है, रीड करनी है बाइनरी फाइल से, और उन्हें डिस्प्ले करके दिखाना है। चलिए कैसे करेंगे, इसी में मैं मॉडिफाई कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हटा दीजिए, नम इज इक्वल टू 0, ठीक है, मुझे डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये कंडीशन भी हटा दीजिए, अब इस कंडीशन का कोई काम नहीं है, ठीक है। इसने क्या करा, आपको डिस्प्ले दिखाना है, तो बस आपको सिंपल यहां पर क्या लिखना है, प्रिंट रिकॉर्ड। फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले रिकॉर्ड, ये फंक्शन का नाम है। अब हमें कोई काउंट नहीं करना है, इसे हटा लीजिए यहां से, रिटर्न भी नहीं करना है, रिटर्न नम हटा लीजिए यहां से, ठीक है। अब सिंपल आपको इस फंक्शन को क्या करना है, कॉल करना है, डिस्प्ले और रिकॉर्ड, बस आपको इसे कॉल करना है, ठीक है। ये लीजिए, बस मुझे सिर्फ क्या करना था, उसने ये कहा कि आपको एक फंक्शन बनाना है डिस्प्ले रिकॉर्ड, इसे ऑथर को भी हटा लीजिए, आपको सिर्फ एक फंक्शन बनाना है। आप देखिए प्रोग्राम में मैंने ये कहा कि राइट ए फंक्शन डिस्प्ले रिकॉर्ड इन पाइथन टू डिस्प्ले ऑल द बुक डिटेल्स फ्रॉम द बाइनरी फाइल, सिर्फ आपको क्या करना है, बुक की डिटेल्स रीड करनी है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, इंपोर्ट पिकल डेफ डिस्प्ले रिकॉर्ड फंक्शन का नाम लिखेंगे, फाइल को ओपन करेंगे रीड मोड में, वाइल ट्रू ट्राई ब्लॉक के अंदर आप क्या करेंगे,
आप लोड फंक्शन का यूज करते हुए बुक की डिटेल्स को रीड करेंगे, वो किस फॉर्म में रीड होगी, लिस्ट की फॉर्म में रीड होगी हर एक, क्योंकि बाइनरी फाइल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड है वो किस फॉर्म में है, लिस्ट की फॉर्म में है, तो वो रीड भी किस फॉर्म में होगी, लिस्ट की फॉर्म में होगी। तो रिकॉर्ड के पास जो आपका डाटा आएगा बुक का वो किस फॉर्म में आएगा, लिस्ट की फॉर्म में आएगा। उस लिस्ट में कितने आइटम है, चार आइटम है। पहला आइटम क्या है, बुक नंबर है, दूसरा बुक नेम है, तीसरा ऑथर है और चौथा प्राइस है। तो आ गया, अब आपने उसे प्रिंट कर दिया, इससे ये भी पता चल जाएगा ना आपके कितने रिकॉर्ड है। अभी से रन करिए, तो अब आप ये देखिए, आप देखिए विनीत गुप्ता, दो रिकॉर्ड आ रहे हैं इसमें। ऑथर नाम जो है विनीत गुप्ता के, विनीत गुप्ता ऑथर नाम के दो रिकॉर्ड आ रहे हैं, जबकि वहां पर डिस्प्ले क्या हो रहा था, एक हो रहा था। इसका मतलब कोई ना कोई एरर होगी, आप एक बार खुद रन करके देख लीजिएगा कि हो सकता है कि आपका बिल्कुल ठीक आ जाए। ठीक है, ये हो सकता है कि आपका बिल्कुल ठीक आ जाए। जैसे मैं जब रन कर रहा था तो विनीत गुप्ता ऑथर नाम का सिर्फ एक रिकॉर्ड आ रहा था, जबकि यहां पर विनीत गुप्ता नाम ऑथर के दो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं और वहां पर एक शो कर रहा था। हो सकता है कोई वैसी एरर हो, आप एक बार अपने आप खुद से करके देखिएगा, हो सकता है आपका सही आ जाए। क्लियर है? ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे रिकॉर्ड को। तो अगर आपके पास किसी भी बाइनरी फाइल के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने का फंक्शन आ गया तो आप सिंपल ये बनाएंगे, बस ज्यादा से ज्यादा डाटा चेंज होगा। वहां पर इसमें बुक डॉट डेट में बुक की डिटेल्स लिखी हुई है, हो सकता है यहां पर स्टूडेंट डॉट डेट हो तो उसके अंदर स्टूडेंट की डिटेल्स होंगी, हो सकता है लाइब्रेरी डॉट डेट हो तो उसके अंदर लाइब्रेरी की डिटेल्स होंगी। तो सिंपल अगर आपको ये कहा जाता है कि आपको क्या करना है, डिटेल्स को डिस्प्ले करना है, तो सिंपल आप ये फंक्शन बनाएंगे डिटेल्स को डिस्प्ले करने का। अगर आपसे ये पूछा है कि आपको रिकॉर्ड को क्या करना है, बाइनरी फाइल से रीड करना है और उन्हें डिस्प्ले करना है, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बस एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो भी आप अपना कोड लिखेंगे वो ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। किस ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। और अगर कोई भी एरर आती है तो वो एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर में वो जो है उसको वो हैंडल करेगा। और जब आपका सारा रिकॉर्ड रीड हो जाएगा तो व्हाइल लूप से आप फोर्सिबली टर्मिनेट कैसे होंगे, तो उसके लिए मैंने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया है। और डिस्प्ले रिकॉर्ड वाले फंक्शन को आपको कॉल करना है। अगर आप इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो आपका ये क्या नाम है, प्रोग्राम रनिंग मोड में नहीं आएगा, क्योंकि पाइथन का इंटरप्रेटर सबसे पहले फंक्शन कॉलिंग वाले स्टेटमेंट को चेक करेगा कि फंक्शन कॉल कहां से हुआ है। तो जैसे वो डिस्प्ले फंक्शन कॉल वाले स्टेटमेंट को देखेगा तो आपके फंक्शन को कॉल करेगा और उसके बाद ही आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो फंक्शन कॉल इज मैंडेटरी इन योर प्रोग्राम। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से मैंने आपको कि मैं बताए दो तरीके कि किस तरीके से हम डाटा राइट करते हैं, किस तरीके से हम डाटा को रीड करते हैं बाइनरी फाइल में। आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बस वो उसमें एक टेक्निकल मिस्टेक आ रही है कि जब भी मैं रिकॉर्ड काउंट कर रहा हूं तो वो एक रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा है। हो सकता है कोई वो वैसी एरर हो, आप एक बार खुद से बना के देखिएगा, मे बी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं करूंगा तो मुझे मेरा टाइम कंज्यूम होगा उसे करने में। आप एक बार खुद से करके देखिएगा, हो सकता है कि आपका बिल्कुल सही आउटपुट आए। मेरे में टाइम की प्रॉब्लम, ड्यू टू टाइम के रीजन से मैं उसको नहीं कर रहा हूं। आप समझ सकते हैं कि करने में आपका मुझे टाइम भी लगेगा, फिर आपको समझाने में भी टाइम लगेगा। वो एक टेक्निकल एरर थी, आप उस एरर को अदरवाइज मत लीजिएगा। ठीक है, वो एक टेक्निकल एरर हो सकती है, या ये हो सकता है कि मेरे एप्लीकेशन प्रोग्राम की में कोई थोड़ी बहुत इधर उधर ऊपर नीचे मिस्टेक हो गई हो, बट फिर भी आप एक बार खुद से करके देखिएगा, हो सकता है कि आपका रिकॉर्ड ठीक आ जाए। हो सकता है मैंने स्पेस में थोड़ा सा ज्यादा दे दिया हो, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आएगा। और अगर फिर भी कोई एरर आई तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर हमने भी रिकॉर्ड काउंट किया था लेकिन हमारा भी रिकॉर्ड 1 ही आ रहा है। बट ऐसा नहीं होगा, मेरा पूरा विश्वास है आप बिल्कुल अच्छे से करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपके साथ ये बाइनरी फाइल का एक क्वेश्चन डिस्कस किया है। कल मैं फिर आऊंगा आपके साथ बाइनरी फाइल के 2-3 क्वेश्चन लेके और आऊंगा और मैं बाइनरी फाइल को और अच्छे से डिस्कस करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये क्वेश्चन आपको, मेरा ये लेक्चर आपको काफी
आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, काफी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस।